करते हैं फुलेरा की ओर, जहां पर फुलेरा में 18 प्लस को आज फ्री वैक्सीनेशन किया गया और वहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिली। प्रदेश में चल रहे कोरोना महामारी से बचाव हेतु जरूरी टीकाकरण अभियान में आज जयपुर जिले में कल जारी हुई कलेक्टर के आदेश के अनुसार फुलेरा में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन का एक दिवसीय विशेष अभियान चला है, जिसमें टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। आदेश की सूचना के बाद जैसे जैसे लोगों की इसकी जानकारी मिली, उसके बाद सुबह से ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा था और लोगों का आना जाना लगातार जारी है। ऐसे में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं गाइडलाइन की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आ रही थी। कहीं ये जमा भीड़ प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को आमंत्रण न दे दें। इस समय प्रचंड गर्मी का दौर जारी है और कड़ी धूप में कोई उचित व्यवस्था न होने से लोगों को तपती धूप में लंबी कतारों में लगने पर मजबूर होना पड़ा। महिलाओं सहित युवाओं की भीड़ देखी गई। सरकार द्वारा इस प्रकार की घोषणा से अचानक भीड़ जमा हुई, जिससे तमाम वैक्सीन सेंटर की व्यवस्थाएँ निराधार साबित होती नजर आई और लोगों का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था से महामारी और बढ़ने का डर है। लाइन में कोई निश्चित दूरी नहीं है। कई जगह लोग तपती गर्मी में पीने के पानी को तरसते रहे। प्रशासन की ओर से कोई उचित व्यवस्था नजर नहीं आई, लेकिन तेज धूप भीषण गर्मी में भारी भीड़ को देखते हुए फुलेरा की निर्भया टीम के पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोज आहूजा व सदस्यों ने छाया व पानी की व्यवस्था कर युवाओं को राहत दी। वहीं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उनके चेहरे पर खुशी नजर आई और राज्य सरकार को आगामी दिनों में इस प्रकार की गलती प्रदेश के लिए भारी नुकसान को बुलावा दे सकती है और राज्य में अनलॉक के तीसरे दिन ही सभी प्रकार के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। सर, आज 18 प्लस वालों की वैक्सीनेशन हो रही है जी। सर, उस संदर्भ में आपकी टीम क्या 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 कार्रवाई कर रही है? यही है कि विभाग को और प्रशासन को सहयोग करना, हमारे शहर के जो नागरिक या 18 साल के प्लस वाले जो वैक्सीनेशन करवाने आए हैं उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, उनको सहयोग करना, ये कार्य। ठीक है।